गुड आफ्टरनून गाइस, हैप्पी संडे टू यू। आज हमारे पास मल्टीपल निक्सॉन्स हैं। आपको लाइन से निक्सॉन दिख रही होगी, दिखा देना, घुमा देना एक मिनट। 1, 2, 3, 4, 5। एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे पास बहुत सारे निक्सॉन, मोर देन 15 होंगे, लेकिन शायद गर्मी की वजह से बहुत लोग आ नहीं पाए हैं। तो जितने भी हमारे पास ओनर हैं, सबका ओपिनियन हम लोग शेयर करेंगे कि कैसा है क्या नहीं गाड़ी का, और जो गाड़ी लेने वाला है शायद उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारे फर्स्ट ओनर जो विकास जी हैं, लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ऑलवेज फोकस्ड। इसका मतलब जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें ना, फोकस आपका क्लियर पे रहना चाहिए। एंड बहुत जेम पर्सन है, इनके साथ मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो इनका जो ओनरशिप का एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर करने वाले हैं, इनसे जान लेते हैं कि कितना चला लिया, क्या है वगैरह, फिर उसके बाद लाइन से दूसरों का हम ओनरशिप जो एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। विकास जी, थैंक यू सो मच, लगता है बहुत धूल हो रहा है, रियली अपोलोजाइज। तो सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं भी निक्सॉन ओनर हूँ, आपने निक्सॉन ही क्यों ली? Just because of build quality and Indian make. गाड़ियाँ देखी थी आपने? मैंने इस सेगमेंट की लगभग हर गाड़ी देखी थी। अर्बन क्रूजर टोयोटा का उस समय मॉडल लॉन्च होने वाला था, वो नहीं आया था, तो वो नहीं देख पाया था। अच्छा। बट हाँ, मेरी चॉइस भी और मेरे फैमिली की चॉइस भी सेम ही रही, क्योंकि मैं जब भी गाड़ी देखने जाता था तो मेरी वाइफ और दोनों बच्चे मेरे साथ होते थे, तो उनको भी समा लास्ट में डिसीजन ये था कि नहीं, नेक्सॉन इज द बेस्ट, नेक्सॉन ही लेंगे। कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? इट्स ऑलमोस्ट 15 मंथ्स। 15 मंथ्स कितनी चला ली? 2020 का मॉडल है, इट्स समवेयर अराउंड 23,000 किलोमीटर रन कर चुका हूँ, एंड इट्स अ पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल, XMAS वर्जन विद सनरूफ। ये ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है, 15 महीने हो चुके हैं जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, रिग्रेट तो नहीं है ना आपको? बिल्कुल भी नहीं। आर यू हैप्पी विद द प्रोडक्ट? 100%। अच्छा, माइलेज आपको कितना मिल रहा है? माइलेज इट्स यू कैन से, मैं अभी फ्रेंकली बताऊँ, लास्ट जो मेरा ट्रिप था हाईवे के ऊपर, मैं लखनऊ गया था वाया नोएडा एक्सप्रेस वे, देन यमुना एक्सप्रेस वे, देन लखनऊ एक्सप्रेस वे। चार लोग हम लोग बैठे हुए थे फैमिली मेम्बर्स, और डिक्की वॉज फुल ऑफ लगेज, और 21 का एवरेज साइज का। आई मीन दैट्स डिसेंट। Decent, yes. काफी अच्छा है, मतलब जब इनसे बात हुई तो मैंने ये भी बोला था आपको इतना माइलेज कैसे मिला, शायद थोड़े बहुत टिप्स बता दीजिए लोगों को। टिप्स इंपॉर्टेंट, कभी भी मैं 90 के ऊपर नहीं चलता, चाहे मैं हाईवे पे हूँ या वैसे भी, और इसका RPM मैं मेंटेन करता हूँ 1500 या मैक्सिमम 2000 तक। टायर प्रेशर जो कंपनी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो मैं यूज़ करता हूँ, उसको स्पीड पेट्रोल यूज़ करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उसकी डेंसिटी शुड बी प्लस 760 डेंसिटी होनी चाहिए, और स्पीड का पेट्रोल यूज़ करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। विकास जी, फटाफट मैं कवर कर लेता हूँ, गाड़ी से आप खुश हैं, यू आर हैप्पी, एवरीथिंग इज़ गुड, इसके प्रोज क्या लगते हैं, कॉन्स क्या लगते हैं वो हमें बता दीजिए। प्रोज सब कुछ बढ़िया है, कॉन्स कोई भी नहीं बताना चाहता, अपनी चीज़ की कोई बुराई नहीं करता। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले क्या क्या। ओनली इशू इज विद दैट कि अगर आप नेक्सॉन काफ़ी टाइम से चला रहे हैं तब तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, बट हाँ अगर कोई दूसरी गाड़ी लेके फिर नेक्सॉन लेते हैं तो टू सम एक्सटेंड ए पिलर इसका ड्राइवर सेट है वो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ठीक है, ठीक है, बड़ा है। और 15 महीने में यूज हुए हैं आप या फिर 15 महीने में मैं यूज हो गया हूँ, बट मेरे बच्चे भी गाड़ी चलाने लगे हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम, उनको भी टाइम लगेगा, उनको टाइम लगेगा। उसके अलावा क्या कौन सा लगता है आपको? कुछ नहीं, नथिंग, और ऑल इज गुड, ऑल एवरीथिंग, ऑल इट्स ऑल गुड, ऑल गुड। हां, तो कोई गाड़ी लेना चाहता हो कंसीडर कर सकता है गाड़ी। वैसे निक्सॉन बहुत बिक रही है। नहीं, मैंने अपने दो दोस्तों को दिलवाई भी है नेक्सॉन, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे से पूछता है तो मैं कहता हूँ भैया तुझे अगर चलानी तो तू 2-4 दिन मेरी गाड़ी ले जा, ट्राई ले, चला अच्छी तरीके से, अगर तेरा मन टूटता तो टाटा से मैं बात करा दूंगा। सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई इशू नहीं है। मैं सागर मोटर साहिबाबाद की सर्विस यूज़ करता हूँ, वहाँ पर जो मेरा सर्विस मैनेजर है राजीव है, और क्वाइट कम्फर्टेबल, मतलब उसको एक दिन पहले फ़ोन कर देता हूँ कि मेरी गाड़ी में कुछ भी इशू है या सर्विस होनी है, अगले दिन वो बुकिंग रखता है और उस हिसाब से टाइम दे देता है। थैंक यू विकास जी। थैंक यू। ये तो इनका पूरा एक्सपीरियंस हुआ विकास जी का, इनका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा है, गाड़ी इनको पसंद है, अब इनका सर्विस का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। क्या सभी का एक्सपीरियंस ऐसा होगा या किसी का एक्सपीरियंस ख़राब भी हो सकता है वो जानते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट ओनर इज़ मिस्टर रोहन भाई, आप देख चुके हैं इनको पहले भी चैनल पर, इस तरह जाइए, आपने इनका रिव्यू पहले से देखा हुआ है, आई थिंक वी डिड इट इन इंग्लिश, टुडे वी विल डू इट इन हिंदी, ठीक है, इनसे हिंदी निकलवाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। विकास जी का भी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है, इनका भी ऑटोमेटिक है, तो इनका पहले एक्सपीरियंस जान लेते हैं, उसके बाद उन्होंने क्यों खरीदा था वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद ये बता देंगे लोगों को कि क्या उनको लेना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो ये बता दो पहले जिन्होंने नहीं देखा है, वरना बहुतों ने देखा हुआ है मेरे चैनल पे। गाड़ी कितनी पुरानी है, कितनी चला लिया आपने? हाँ, अभी तो 7 महीने का है, 7 months अगस्त 1st जुलाई 31st को लिया था, 7-8 months हो रही है। कितनी चला ली है अभी? 4,000 के करीब
4000 चला लिया मैंने। जयपुर का ट्रिप भी बनाया था और लोकल रास्ते रास्ते घूमने चले गए थे। तो 4000 का एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का? गुड, पीपल बेटर। लोग कहते हैं एएमटी अच्छा नहीं है इसका। हाँ, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो देखा होगा पहले उससे मैं कंपेयर करता हूँ। उस टाइम ने मैंने दिया था 8 रेटिंग, 8.5 दिया था। अभी भी मैं वही स्टिक ऑन करूंगा क्योंकि ना इसमें कोई दिक्कत आई अभी तक, ना सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आई। अच्छा, सो एवरीथिंग इज स्मूथ राइट नाउ, द एएमटी, द सनरूफ, एवरीथिंग। सो यू हैप्पी विद द सर्विस एंड हैप्पी विद द प्रोडक्ट? हाँ, सर्विसिंग कैन बी बेटर, हो सकता है वही है सर्विस। मतलब दोनों टच में रहते हैं। उसके अलावा मैं अगर किसी के पास जाता हूँ ना, कुछ पता नहीं उन लोगों को। ये मुझे भी लगता है यार। देखो, गाड़ी आपने खरीद ली, 10-15 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद टाटा ठीक है, पैसे मिल गए उनको, गुड टू गो। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? सर्विस ही तो बचता है, ठीक है। ये सर्विस की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, इसको क्वालिटी कंट्रोल करना, इसको चेक करना बहुत जरूरी है। मेनली वो इश्यू आती है ना, मैकेनिक्स के साथ इश्यू आती है। सर्विस एडवाइजर उसको तो 2-3 गाड़ियां अलॉट करते जाते हैं, सो वो ज्यादा देख नहीं सकता। जो मैकेनिक्स असाइन किया है वो लोग अच्छा देखना चाहिए। कभी कभी वॉश सही नहीं होता, मैंने वॉशिंग करवाना ही बंद किया सर्विस सेंटर से। कि एक प्रोडक्ट आप कुछ लेते हो, अगर उस प्रोडक्ट के 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट सही है, 1 पार्ट खराब है, तो उसको सही करोगे ना, उसको वैसे रहोगे नहीं। तो सर्विसेज का भी आपको ध्यान देना चाहिए। और प्रोडक्ट आप कैसा है आपको? प्रोडक्ट एज वेल इज गुड, नो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स, चाहे वो एएमटी है। माइलेज कितना मिला? माइलेज मैंने जयपुर गया था, एज आई सेड जयपुर 700 किलोमीटर ट्रिप था। एमआईडी में शो रहा था 19.5, टैंक टू टैंक मैंने चेक किया था 18.7 कुछ है। तो आपको सीखना चाहिए, विकास जी 21 निकालते हैं। तो टोटली डिपेंड्स की ड्राइविंग पैटर्न्स और ट्रैफिक वगैरह। मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा यूज करता हूं। इफ आई एम, आई कैन ऐड समथिंग, प्लीज। दिल्ली टू जयपुर जो रोड है, जो बंदे कहते हैं ना माइलेज नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास एग्जांपल अभी भी मेरा सिटी में चल रही है, ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर आई एम गेटिंग एट 13.1 आई गेस सिटी में, पूरा गुड़गांव दिल्ली सिटी मिल रहा है, 13 मिल रहा है अभी एमएडी में होगा, 14 दिखा रहा है। तो मतलब क्या सिटी की बात कर रहे हैं, विद ट्रैफिक 13 से आपको 15-16 मिल जाता है, हाईवे पे 18+17+ होता है। अगेन डिपेंड्स, अगर डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग, आधा घंटा आपने ड्राइव किया उसमें से 15 मिनट ट्रैफिक में खड़े हो तो 8 से ऊपर नहीं दिखेगा। अगर 15 मिनट भी चलाया हाईवे में, इट विल शो 26, 25-26 से दिखती है। वो ऐसा नहीं है कि वो 26 देती है, वो इंस्टेंट एमएडी है। अब प्रोडक्ट के बारे में प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए आप। प्रोडक्ट्स के प्रोज तो सब कुछ है, आई डोंट ब्लेम एनीथिंग फॉर टाटा, क्योंकि दिस इज अ प्रोडक्ट, कितना मिला, 13 लाख में मिला था। 13 लाख में अब तो आ गया, ऑप्शंस आ गया, एक्सयूवी आ गया, ये कैरेंस आ गया, बट जब मैंने लिया था 1 साल पहले, एक ही प्रोडक्ट था जो ऑल बॉक्सेस टिक हो रही थी, सब टिक हो रही थी। माइलेज एएमटी तो ठीक है, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, इसलिए तो एएमटी होना, सीवीटी होता या डीसीटी होता है, अब डीसीटी आने वाली है ना, आएगी तो फिर मे बी देन, बट स्टिल एएमटी इज नॉट बैड। मैंने चला लिया, मेरा एक्सपीरियंस है, सर का एक्सपीरियंस है, सो इट इज अ टेस्टिमोनी दैट टाटा हैज वर्कड। एक बार बताओ कॉन्स में सर्विस के अलावा क्या लगता है, और कोई कौन सा है या एवरीथिंग इज गुड? कॉन्स बोला, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, द सेम, द कप होल्डर, द सेंट्रल कंसोल, सेंट्रल कंसोल्स में ना कप होल्डर्स है ना फोन, फोन की प्लेस तो है बट कप होल्डर्स की नहीं है, थोड़ा निकनैक्स रखने के लिए जगह नहीं है। एंड और कुछ बेटर हो सकती है, हैव टू नीटपिक, कभी कभी एक एक दो रैटल नॉइसेस आती है, बट वो सारे सेंट्रल वाले फिक्स कर दिया, दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। So, अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है तो वुड यू रेकमेंड इट? द नेक्सन, या ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच रोहन भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, एंड वन मोर थिंग, कांग्रेचुलेशंस टू हिम ऑन हिज 1 लाख सब्स, थैंक यू, एंड द सिल्वर बट, ये हम सबका है, सपोर्ट है, बट यू आर द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है, वो कस्टमर से और रिव्यूअर्स के लेने का एक कैटलिस्ट है, सो ही इज द सॉल्यूशन प्रोवाइडर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इनपुट्स विकास जी एंड रोहन भाई, थैंक यू। अब हमारे पास हैं बिल्कुल सेक्सी रेड कलर के ओनर, ये वाला, अरे माइक दे, ये फ्रेंड्स, नहीं माइक तो दे दो, जो भी मैंने करवाया हमारे पास, हमारे साथ है सनी भाई, इनकी रेड कलर की कार बहुत सेक्सी है। रेड कलर अमूमन कम देखने को मिलता है, लेकिन एक ये ना आई कैचिंग कलर है, राइट? तो रेड कलर चूज करने का मतलब आपका, कहते हैं ना, कैसे मन बना? बहुत लोग क्या करते हैं, डार्क पे जाते हैं, बहुत सारे कलर करते हैं, रेड बहुत कम लगता है, लेकिन मुझे रेड पसंद है, तो आपने भी रेड लिया, तो उसका कोई रीज़न बिहाइंड इट? हाँ, रीज़न है,
एक्चुअली मेरी पहली चॉइस फॉलेज ग्रीन थी, तो मैंने बुक भी कर लिया था फॉलेज ग्रीन, और उसकी अराउंड आने ही वाली थी, मतलब दो हफ्ते हो चुके थे, दो हफ्ते में आने वाली थी, बट मेरी वाइफ शुरू से रेड के पीछे आ रही थी। इट्स गुड मैन, आई कैचिंग है, इट लुक्स फैंटास्टिक। और वो ये कि मेरा मेरी वाइफ का चलता रहता है ऐसी झगड़ा, तो मैंने कहा रेड वेड नहीं ये, वो जब वो रो गई ना पूरी तरह से कि एकदम कि वो गाड़ी जो आएगी वो एकदम कचरा गाड़ी है, गंदा कलर है ये वो, मैंने कहा ठीक है ऐसा माफ करो, रेड करो फाइनल। तो आप अभी क्या लगता है आपको, आपने डिसीजन जो लिया सही? बहुत बहुत ग्रेट, मैं मानता हूँ कि मेरी वाइफ को थैंक्स बोलता हूँ कि उसने ना बहुत ही अच्छी, मैंने उसकी राय मानी कि अनकॉमन है क्योंकि ग्रीन बहुत ज्यादा हर जगह हो गया, ये ना बहुत कम देखने मिलती है और ये ना मतलब आई को बहुत प्लीजिंग लगता है। राइट राइट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर कलर व्हिच इज रियली गुड, थैंक्स। राइट, अभी बात करते हैं कितना टाइम हो गया, इज इट पेट्रोल ऑटोमेटिक और मैनुअल या डीजल, कौन सी गाड़ी आपकी है? ये मैनुअल है, पेट्रोल। मैनुअल पेट्रोल कौन सा है, एक्सएम है? एक्सएमएस, ये एक्सजेड प्लस है। कितनी चला ली आपने? ये ऑलमोस्ट 6000 चल चुकी है। एक्सपीरियंस आपका अभी तक कैसा है? अच्छा है एक्सपीरियंस, वैसे अच्छा है मेरा। वैसे वैसे जो छोड़ा था उसको बाद में बात करते हैं। यू आर हैप्पी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कहीं कहीं कुछ चीज़ें खटक रही हैं आपको? नहीं खटक नहीं रही, मुझे लगता है कि हर गाड़ी में कुछ कमी होती है। बिल्कुल, टाटा मेरे को लग रहा है टाटा ना वर्क कर रहा है काफ़ी, वो दे आर वर्किंग हार्ड कि भाई अपना बेटर करें, क्योंकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में चल चुका है, फीडबैक बहुत मैटर कर रहा है आजकल लोगों को, कर रहा है ये तो बहुत। टाटा अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेगा, उसको खराब होगी ना तो फिर बाकी सेगमेंट की तरह चला जाएगा, चला जाएगा। तो कमियां होती हैं, बट ओवरऑल मैंने अभी तीन ट्रिप मारे हैं बाहर के, लैंसडाउन, मसूरी, मतलब दो अपने अपने पहाड़ों के हो गए और एक अपना सरिस्का, तो ओवरऑल गाड़ी मेरे को सही लगी परफॉर्मेंस वगैरह में। अच्छा, आपको पसंद आई, सही चली। पहले इसकी प्रोज की बात कर लेते हैं, प्रोज आपको क्या क्या लगते हैं इस गाड़ी में? प्रोज ये कि ऊंची है, मेरे को लगती है जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो मेरे को अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, मेरे को ऊंची गाड़ी पसंद आती है, और तो मैनुअल में स्पोर्ट्स में अच्छी चलती है, मैं ज्यादा स्पोर्ट्स में ही चलाता हूँ। अच्छा, मैक्सिमम, क्योंकि मेरा ना वो बचपन से माइलेज की तो लग गई होगी फिर। माइलेज में देखता नहीं, वैसे माइलेज अराउंड ये 14-15 अभी आराम से देती है सिटी में। हाँ, मेरे को सिटी में भी दे देती है 14-15 देरी आपको स्पोर्ट्स में। हाँ, देरी। इनफैक्ट पता है क्या मेरे साथ ये हुआ, जब मैं पहले स्टार्टिंग में चलानी शुरू की, कई नेक्सन ओनर्स के साथ हुआ होगा, स्टार्टिंग में 8-10 के बीच में देती है, तो मैं घबरा गया था, मैं कहा यार वीडियो में दिखा रहे हैं 15-16, ये 8-10 कैसे दे रही है? तो पहली सर्विसिंग के बाद फिर ये चली, जब मैंने एक लंबा ट्रिप मारा ना पहाड़ों का, उसके बाद पता नहीं कैसे बट एवरेज इसकी बढ़ गई। जनरली जो एवरेज शो करता है ना, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, जो आप ड्राइविंग करते हो हैबिट सब कुछ दिखाने के बाद इस शोज की कितना एवरेज आपको मिल रहा है या फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी सब कुछ, अगर सिटी पे चलाते रहो तो मेरे ख्याल से वो कमी दिखाएगा। द मोमेंट यू गो एंड टेक योर कार इन अ लॉन्ग ट्रिप, तो उसके बाद फिर आपको एग्जैक्टली दिखाना शुरू करता है। इसमें तो 1-1.5-2 का डिफरेंस मिलता है, डीजल में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, जितना एमआईडी पे शो करता है उतना मिलता है, इस पर थोड़ा बहुत डिफरेंसेज है। ऑलराइट, तो बहुत अच्छी बात कर ली, माइलेज की बात कर दी, स्पोर्ट्स पे चलाते हो, गाड़ी पावरफुल है, सब कुछ है, कॉन्स की बात कर लेते हैं इसमें। अच्छा, बी इट सर्विस बी इट प्रोडक्ट, क्या आपको लगता है इसमें कॉन्स है? अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो ऐसा मेरा मानना है कि इसमें ना थोड़ा सा और जैसे होता पिकअप, मुझे भी फील होता पिकअप ना वो मजा नहीं आता मुझे, टर्बुलेंट की वजह से। हाँ, मैं फन टू ड्राइव बंदा हूँ, मेरे को चाहिए एकदम बस पैर दबाया और गाड़ी एकदम भागे भागे, इसमें वो नहीं है। मुझे अभी भी लगता है अगर ड्रैग रेस इसकी हो जाए, जैसे मैं कई व्लॉगर्स को देखता हूँ तो ये ड्रैग रेस में हार जाएगी, हार जाएगी क्योंकि इसमें लैग है, क्योंकि टर्बो है, टर्बो लैग थोड़ा सा ज़्यादा है, वो थोड़ा पिकअप होने में टाइम लगाता है। दूसरा मैं देखा कि जैसे पहाड़ों में ना, जैसे अगर मैं जो ढलान है, ढलान में आप बैक करोगे, दो तीन मैंने नोटिस किया पीछे धुआं छोड़ देती है गाड़ी है, जैसे अच्छा। मैं करता हूँ ना थोड़ा जोर लगता है तो पीछे एकदम काला धुआं से ही छोड़ देती है, गंदे वाला वो छोड़ा है इसने दो तीन बार। अच्छा, और मुझे पता नहीं क्यों होता क्या होता है, बट ये जो मैंने फील किया होता है मोस्टली डीजल पे होता है, पेट्रोल पे नहीं होता, इस पे हुआ है। अच्छा, और मुझे वही लग रहा है कि उसके अलावा कोई और कौन, उसके अलावा तो ठीक है, मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें वो हम इग्नोर कर सकते हैं। सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मेरा बहुत गंदा है, क्योंकि जनरली क्या है ना, देखो गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा भी हो, हम लोग घूम फिर के हमें कहाँ जाना पड़ता, वन एवर समथिंग हैपन्स या फिर कुछ भी हो तो हमें सर्विस पे जाना पड़ता है। टाटा गाड़ी से अब वापस तो नहीं कहेंगे गाड़ी वापस ले लो, है ना, सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं, अगर वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा ना होना तो सब खराब हो जाता है। इसलिए मैं हर किसी से पूछता हूँ कि सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा था, विकास जी का अच्छा था, रोहन भाई का ओकेश था, आपका बहुत ख़राब है, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ? मेरी फर्स्ट सर्विसिंग के लिए गाड़ी गई थी, तो मैंने जहाँ से गाड़ी ली थी उन्होंने ही मुझे कहा था फर्स्ट सर्विसिंग के लिए आ जाओ, तो नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है फर्स्ट सर्विसिंग में ज़्यादा कुछ होता है और जो कस्टमर वो अच्छा रिव्यू दे के जाएगा, तो वही मेरा भी एक्सपेक्टेशन हुई था कि ये धो धा के पकड़ा देंगे फाइन, बट वो धोने के बाद ना एक पेंट का चिप निकल आया था हैंडल पे। अच्छा,
तो मैंने उनको दिखाया, अभी पहले उन्होंने माना नहीं, तो वो फोटोज खींचते हैं जो पहले जो सुपरवाइजर होते हैं उनकी फोटोज में पता लग गया कि ये नहीं था पहले, तो उन्होंने कहा इट्स फाइन आप दोबारा आ जाना, क्योंकि आप मैं गया दिल्ली गुड़गांव में रहने वाला बंदा और ये था एकदम कोने में थोड़ा उस तरफ ओखला साइड, तो मैंने कहा ठीक है मैं दोबारा आ जाऊँगा कभी या आप ले जाना। दोबारा आए तो मेरा गाड़ी में मतलब चालान कटा हुआ था और एक साइड में पूरा स्क्रैच था लंबा सा, तो वो उन्होंने बताया नहीं। मेरी आपकी बात हुई है क्या आपके साथ? हाँ बात हुई थी आपकी, मेरी बात हुई है राइट, क्योंकि जब गाड़ी दी थी चालान कटा हुआ था, ये हुआ था विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल राइट, बहुत हुआ था, जिसने भी गाड़ी चलाई होगी टाटा के एग्जीक्यूटिव ने उसने बहुत गंदी तरीके से चलाई, चालान वगैरह कटा हुआ था, उसका सोल्यूशन मिला आपको कोई? सोल्यूशन इनिशियली नहीं मिला, क्योंकि मेरी गाड़ी उसी इशू के चक्कर में, मतलब एक छोटा पेंट जॉब का इशू था, फिर उसके बाद ये स्क्रैच वाला आया, चालान कटा, फिर मैंने एस्केलेट किया मेल्स वगैरह और जो भी अपने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उसके बाद टाटा ने थोड़ा सा उसको कैचअप किया कि हाँ भैया इशू है, सर्कुलेट हुआ, फिर मेरे को सर्विस सेंटर से कॉल आया, उन्होंने कहा कि आप दोबारा आइए हम आपका इशू रिजॉल्व करते हैं, तो जो सर्विस सेंटर के वीपी थे उन्होंने कहा कि मैंने अच्छे से पेंट वेंट मेरे सामने उन्होंने करके दिया और मुझे लगा कि हाँ काम अच्छे से हो गया। अच्छा, बट फिर एक हफ्ते बाद ना गाड़ी में ऐसे दाने दाने से निकलने शुरू हो गए। अच्छा अच्छा, वो मेरे को लगा, मैं कह ये क्या चीज़ होगी, तो ऐसा दाने दाने से पूरी गाड़ी में चेक के दाग निकल गए। ढंग से उन्होंने ना रबिंग करनी पड़ती है, नहीं की तो अब क्या कि देखो मैं एज ए कस्टमर मुझे सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मुझे क्या भाई गाड़ी मेरी अच्छी दिखनी चाहिए जैसे नहीं थी, हमें क्या पता अंदर क्या है टेक्नीशियन, अगर हमें इतना पता तो हम इंजीनियर होते ऑटोमोबाइल, तो सिर्फ एक पेंट जॉब छोटा सा जो चिप थी उसका इतना बड़ा इशू बनता गया और वो जो दाने दाने थे आगे पीछे साइड में सब जगह हो गए थे। फिर दोबारा सर्विस सेंटर गई मैंने, फिर उन्हें समझाया, फिर लास्ट में फाइनली उन्होंने करके दिया, तो जो काम हुआ उससे मैं मतलब समवट सैटिस्फाइड हूं। कुछ तो हुआ, कुछ नहीं होने से अच्छा, बट दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल ना यार, मतलब आदमी इतनी बार थोड़ी दौड़ेगा एक चीज के लिए ना, 6 बार तो बहुत ज्यादा, मतलब ओनरशिप नहीं है, है ना। तो एक बार बताइए, कोई गाड़ी लेना चाहता है अभी निक्सॉन, क्या उसे लेनी चाहिए? सर्विस को छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट वाइज हर चीज़ मतलब और चीज़ों को देख के क्या उसे निक्सॉन लेनी चाहिए? देखो अगर प्राइस सेगमेंट में बात करें तो लेनी चाहिए, इसमें इस प्राइस सेगमेंट में ले सकता हूँ, ले सकता है। अगर सर्विस की ऐड कर दे तो फिर थोड़ा टफ है, आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप यू आर ओके यू नो विद रनिंग टू द कस्टमर सर्विस अगेन अगेन फॉर स्मॉल इश्यूज। देखो सर्विस का भी जो है ना, मैं जैसे देख रहा हूँ अब जैसे रिसेंटली हुंडई का भी एक इशू हुआ है, कोई यूट्यूबर थे उनके साथ मारपीट हुई थी, तो उस हिसाब से सोचो तो मैं कहता हूँ टाटा ठीक है, एटलीस्ट मारा पीटा नहीं मुझे पता लगा मैं जाता मेरे को मार देगा, तुमने इशू कैसे 6 बार मारते रहे तो एक बार बताओ फाइनली सनी भाई, कोई गाड़ी लेना चाहता है तो आपने बता दिया, इसको कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 मैं इसको मतलब बहुत स्ट्रिक्टली रेट करूँगा 7। 7 3 आप किस में काट रहे हैं? एक इसकी जो पिकअप पावर मेरे को लगता है थोड़ी सी और होनी चाहिए, हाँ लैग है उसमें और कुछ कुछ इसमें ना जैसे अंदर नॉइज़ आती रहती है कभी कभार, कुछ कुछ आपको ना फील होता है वो चीज़, इसके वजह 3 काटे। थैंक यू फॉर ऑनेस्ट ओपिनियन, रियली अप्रिशिएट दैट। ये थे हमारे सनी भाई, ठीक है। अब आपकी मेरी बीच में बात हुई थी, मैंने कहा वील कनेक्ट, लेकिन उसके बाद आपने आपने हमारी बात ही नहीं हुई। चलो थैंक यू। अब हमारे साथ हैं अनुराग भाई, थैंक यू सो मच, आइए इधर। ये तो मेरी गाड़ी यार ओके अब मिलते हैं हम अनुराग भाई से, थैंक यू सो मच। इनकी गाड़ी मतलब इन जितनी गाड़ी दिख रही है सबसे नई गाड़ी इन्हीं की है, फरवरी में लिया आपने, कितनी चला लिया आपने? 3000 के करीब चल गई है। 3000 मतलब 1-1.5 महीने में? हाँ। ऐसा क्या करते हो आप? सर अभी जयपुर गया था। जयपुर जाके आया? हाँ जयपुर गया था, रोहतक मेरा नेटिव है तो वहाँ जाना रहता है, थोड़ा घूमना फिरना रह जाता है, और अभी सोलन का है, इस सोलन का प्लान है, का प्लान है। तो कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी थी जब ये लिए? सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कोई गाड़ी कंसीडर ही नहीं करी थी पहले देखने के लिए, जब टाटा लॉन्च हुई थी BS4 तब से मैं टाटा इसका नेक्सॉन का फैन था, अच्छी गाड़ी है, ऊपर से कमिंग फ्रॉम द स्कोडा, मेरे पास स्कोडा फाबिया, तो मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए जो मजबूत हो, मजबूत हो, तो पूरे सेगमेंट में यही गाड़ी थी जो मजबूत, जब मजबूत थी तो मेरे को यही गाड़ी पसंद थी। उस पर तो मारुति मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट थोड़ा हल्का है, मटेरियल है मारुति का, सोनेट और वेन्यू भी थोड़ा मुझे हल्का लगा। देखो टाटा बिक्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि फैंटास्टिक है, टाटा इसलिए बिक्री है कि इनकी एक USP है सेफ्टी, सेफ्टी ठीक है, जिनको सेफ्टी चाहिए वो लोग लेते हैं, और वरना तो अच्छी गाड़ियाँ बहुत पड़ी हुई है, मारुति की है, हुंडई की है, किया की है, तो
कौन कौन सी गाड़ी देखी थी आपने इसको लेने से पहले? आपने कहा नहीं देखी थी, आपने बोला सीधे आपने ले ली। मैंने ड्राइव करके कोई नहीं देखी थी, मुझे जो पता था कि ये गाड़ी सबसे सेफ है तो वो आपने ले ली। हाँ, क्योंकि मेरे को सेफ्टी फर्स्ट कंसर्न था। मुझे लगता है एक्सएम है आपका। एक्सएम है, मैनुअल है, पेट्रोल है। कितनी बड़ी थी आपको ये? सर मुझे शोरूम ने कोट करा था 9,30,000 की, लेकिन मेरे को फिर ये 9,00,000 में पड़ गई क्योंकि मैंने पैसा बचाया आरसी में। और वो जो वीडियो है ना, इनका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आप आरसी में कैसे बचा सकते हो पैसे वगैरह, आप अलग से एक 5-10 मिनट का वीडियो शूट कर लेंगे। एक महीने में आपने 3,000 चला ली है, तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर ये है हाईवे क्वीन, इस गाड़ी का किंग भी तो हो सकता है, क्वीन की हाईवे किंग बोल सकते हैं। किंग अगर बोले तो, अगर आप टाटा ग्रुप बोले तो किंग आप बोलोगे सफारी, और इसलिए क्वीन, क्योंकि ये गाड़ी जब हाईवे पे चलती है ना तो कोई मैच नहीं है। मैच नहीं है ना, फैंटास्टिक है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है स्टेयरिंग का, गाड़ी का यानी रबल जो पैच है, गड्ढे हैं, पता नहीं चलेंगे आपको, पता नहीं चलेंगे, और आपको सेफ फील होगा। क्योंकि मैं जयपुर का ट्रिप रहा था, मुझे पता है कि जयपुर हाईवे पे ट्रक कैसे चलते हैं, और मैंने ऐसे ब्रेक भी मारे हैं कि ट्रक से इतनी दूर जाके गाड़ी रुकी है, और ट्रक वालों से यानी कहा सुनी लड़ाई भी हुई है, बट इस गाड़ी में बैठ के हम 5 लोग थे, किसी को डर नहीं था, डर नहीं था, तो गाड़ी में तो बिल्कुल सेफ्टी वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी। और बहुत ये तो आपने प्रोज की बात कर ली, सब चीज़ बढ़िया है, कौन अभी तक कुछ नज़र आए आपको? कौन सर, एक इसमें मेरे को थोड़ा सा इसमें थोड़ा अंदर रैटलिंग साउंड आती है, रैटलिंग नॉइस आती है, वो हर एक गाड़ी में आती है। इसमें टाटा का ये तो सिग्नेचर हो गया एक तरह से, कि रैटलिंग होगा कहीं ना कहीं, रैटलिंग होगा टाटा में। एक इसका सेकंड गियर पे जब इसको मैं आरपीएम थोड़ा बढ़ाता हूँ तो हल्का सा थोड़ा जग देती है, वो मे बी सर्विस के बाद ठीक हो जाए। नहीं, औरों में नहीं है तो ये आपके स्पेशली आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उसमें कि क्या है। एवरीथिंग सीम्स फाइन। माइलेज कितना मिला आपको? माइलेज सर मेरे को इसने जयपुर हाईवे पे टैंक टू टैंक 17.5 के करीब दिया था, टैंक टू टैंक 17.5 दिया था। एमआईडी पे मेरे को 20 के करीब दिखा रहा था, दिखा रहा था, ढाई का डिफरेंस आ गया था एमआईडी और इसमें। सिटी में मेरे को दे रही है 13 के करीब टैंक टू टैंक, 13-14 निकाल देती टैंक टू टैंक। देखो ये एक फिक्स हो गया, इससे एक नहीं हमारे 4-5 ओनर से पूछ लिया, सिटी में उनको 14 मिल रहा है, 13 से 14 मिल रहा है, तो आपको सिटी में 13 से 15 तक मिलेगा, और हाईवे पे 18+ या फिर 18+ दे देती है, वो भी पूरी फुली लोडेड गाड़ी थी, डिक्की पूरी पैक थी, 5 लोग बैठे हुए थे, फुली लोडेड गाड़ी चल रही थी, तो इसने आराम से दिया था। फैंटास्टिक। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ना, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं इतने सारे ओनर को लेके, कि जिसने भी गाड़ी खरीद रखी है ना उनका एक जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा हर किसी का। तो इन्होंने भी नई ली है, 3,000 चला ली है, तो इनका एक्सपीरियंस भी हम लोग शेयर करने वाले थे। अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है नेक्सॉन, ठीक है, वैसे बहुत बिक्री है, टॉप नंबर पे है, तो बहुत सारे ऐसा होता है कि लोग ना देख के भी ले लेते हैं, लेकिन जेन्युइनली अगर कोई लेना चाहता है तो क्या उसे लेना चाहिए गाड़ी? हाँ, ले सकते हैं गाड़ी। एक्सएम मॉडल में बोलूंगा बेस्ट है अपने, मतलब ना बहुत ज्यादा है ना कम है, बिल्कुल फिट बैठती है, बेस्ट है गाड़ी। ये सारे आपके फीचर टिक कर देता है। सबसे जो इसमें सबसे बेस्ट फीचर है कि इसका एक्सटीरियर बिल्कुल टॉप मॉडल और एक्सएम में कोई डिफरेंस नहीं है, सेफ्टी फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है, हिल असिस्ट सब कुछ मिल जाता है, मिलता है, ईबीडी एबीएस सब कुछ मिलता है, बाकी ब्रांड नहीं दे रही है। यूज करोगे इसको? सर मैं 10 में से इसको 8 दे दोगे? दो कहाँ पे मिस हो रहे हैं? सर्विस, रैटलिंग नॉइस, रैटलिंग नॉइस और सर्विस की वजह से, सर्विस की वजह से बस ये दो चीजें सही हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले। सर्विस में जो एक्सपीरियंस रहा ज्यादा अच्छा नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा जिनके यहाँ सर्विस लेने गया था, बट नहीं लोग को पता चलना चाहिए सर्विस सेंटर, ताकि ना बहुत सारे लोग कहते हैं भैया नाम तो बताओ कहाँ पे अच्छा नहीं है, कहाँ पे अच्छा है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यानी मैं आप गलती कैसे, मैं ऐसे किसी को ब्लेम जल्द एकदम, बट ये गाड़ी आप ये देख लो कि फर्स्ट सर्विस पे 10 बजे पहली गाड़ी थी, एंट्री हुई थी 6 बजे वापस, 6:30 बजे बाहर आई थी। हाँ, वो भी जब मैं उनके पीछे पढ़ के। सर्विस सेंटर का नाम क्या है? ये आर्या मोटर है। अच्छा, आर्या मोटर। ऑब्वियसली यार आर्या मोटर्स का बहुत उन्हें ठीक फीडबैक दिया था, लेकिन रिसेंटली 2-3 महीने से उनका खराब सुनाई दे रहा है। ZX है ना उनका, अच्छा सुनाई दे रहा है। मे बी उनके पास लोड ज्यादा आ गया है, जो भी है पॉसिबिलिटी। हाँ, क्योंकि गाड़ी में जो भी इशू था मेरे को ऊपर से बैठ के देखना पड़ रहा था, मुझे उनके जाकर बोलना पड़ रहा था कि ये हो गया। हालांकि जो उनका सर्विस एडवाइजर थे, और जो देखो सर्विस एडवाइजर इज डिफरेंट, और जो अंदर काम कर रहे डिफरेंट सर्विस एडवाइजर आपसे डील करते हैं, मैकेनिक उनसे डील करते हैं, मैकेनिक उनसे डील करता है। अब सर्विस एडवाइजर के पास वो रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि इनमें ये इशू, और मैकेनिक वापस आके बोलते हैं ये सारे इशू सॉर्ट आउट हो गए। एब्सोल्युटली, तो सर्विस एडवाइजर की तरफ से तो सब कुछ सॉर्ट हो गया था, बट मैंने उनको बताया कि ना इसकी जो स्टीयरिंग था उसमें थोड़ा सा दिक्कत था, थोड़ा ये लेफ्ट साइड का राइट लेफ्ट की तरफ भागती थी, तो वो किसी ने चेक नहीं किया था। मैं ऊपर से देख रहा था, मैं इसको चेक करो, चेक नहीं किया। गाड़ी जब धुल के आई तो धुलने से पहले ज़्यादा अच्छी थी, साफ थी, धुलने के बाद ज़्यादा खराब हो गई। ये हम जब का इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे उसमें शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच अनुराग भाई, रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। और यही था दोस्तों जो एक्सपीरियंस हमारे पे, मल्टीपल नेक्सॉन ओनर्स हैं, मैक्सिमम हमारे पास पेट्रोल है, ये मेरी डीजल है,
और मैक्सिमम पेट्रोल गाड़ी यहाँ पे AMT और मैनुअल। होप जो एक्सपीरियंस हमने शेयर किया आप लोग को आपके लिए हेल्पफुल हो गाड़ी लेने में। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इन सभी भाइयों को थैंक यू कीजिएगा। आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हंबल, बी पोलाइट एंड बाय-बाय।